आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी कि पहचान की राजनीति आप ऑफिस में सपोज करिए कि काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपके साथ बहुत सारे कोवर्कर्स भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट अलग हट के जो है आ, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिससे उनको रिकोगशन मिलता है उनको एम्पावेंट मिलती पावर मिलता है उनका रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसी चीज़ को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहेगी यानी कि आप अपनी पहचान बनाते हो तो इसी तरीके से जब सोसाइटी में बात करते हैं तो सब सोसाइटी में अलग अलग कैटेगरी के जो पीपल्स होते हैं वो एक अलाइंस बनाते ऑर्गेनाइज़ होते हैं पॉलिटिकली अपने ग्रुप के इंटरेस्ट को बचाने के लिए तो उसी को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहा गया क्लियर व्हेन पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर एज या फिर किसी एथनिसिटी या फिर जेंडर या और रिलीजन और कास्ट फॉर्म्स अलायंस एंड एंड ऑर्गनाइज पॉलिटिकली टू डिफेंट देयर ग्रुप्स इंटरेस्ट यानी कि उनके जो ग्रुप है जिस वजह से वो जो है अलायंस बनाए हैं जिस वजह से भी वो ऑर्गेनाइज हुए हैं उसको बचाने के लिए जब वो आ, क्या कहते हैं कि ग्रुप बनाते हैं अलायंस बनाते हैं तो उसी चीज को क्या कहा गया आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहा गया तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्यों होती है इट अटेम्प टू अटेन एम्पावेंट यानी कि एक पावर अपना बनाने के लिए एक रिप्रजेंटेशन अपना करने के लिए या फिर अपने रिकोगनीशन के लिए या जो भी सोशल ग्रुप उन्होंने बनाया है उसकी रिकोगनीशन के लिए जो है वो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा एल

का क्लास के बेसिस पे कल्चर डायलेक्ट डिसेबिलिटी एजुकेशन एथनिसिटी लैंग्वेज नेशनैलिटी जेंडर आइडेंटिटी जनरेशन ऑक्यूपेशन प्रोफेशन रेस पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन अर्बन एंड रूरल हैबिटेशन यानी कि किसी भी बेसिस पे जो है ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जा सकती है क्लियर यानी कि यहां पे एक चीज आपको कॉमन रखना होगा क्या कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है वो कॉमन होगा जो भी पीपल एफिलिएट होंगे जो भी पीपल ऑर्गेनाइज होंगे पॉलिटिकली या फिर अलायंस बनाएंगे उनकी कुछ ना कुछ कॉमन इंटरेस्ट होगी किसी ना किसी बेसिस पे चाहे वो उनके के रिलीजन के बेसिस पे हो चाहे उनके एज के बेसिस पे हो चाहे कास्ट के बेसिस पे हो चाहे कल्चर के बेसिस पे हो चाहे उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे हो और उसके बेसिस पे जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं तो दैट इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पर आपको ड्रॉबैक्स भी मिलेंगे कुछ पॉजिटिव्स भी मिलेंगे कुछ जो है नेगेटिव्स मिलेंगे जो कि आपके तरीके से इशूज हैं चैलेंजेस हैं तो जैसे पॉजिटिव्स की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज कुड फोकस ऑन पॉलिटिकल सेक्शंस डिप्राइव्ड ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन दिस सोसाइटी तो क्या होगा इससे कि जब आइडेंटी पॉलिटिक्स होगी तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पर्टिकुलर uh, सेक्शंस जो कि पॉलिटिकल पावर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से पीछे रह गए हैं उन पे फोकस कर सकती है क्रीजड इन पॉलिटिकल अवेयरनेस एमाउंग मार्जिनाइज एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी कि जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन होते हैं उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है बढ़ती है जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है जब वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होते हैं एक अलायंस बनाते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैज ऑल्सो गिवन बेटर रिप्रेजेंटेशन टू सोशली डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेज एंड माइनॉरिटीज तो जैसे आपने देखा एस सी एस टी ओ बी सी तो ये जो जो एस सी एस टी कैटेगरी के जो है जो डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस होती है फिर माइनोरिटीज क्लासेस उनको जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह

नेगेटिव्स भी होते हैं कुछ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तो नेगेटिव्स में क्या है जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैज द सीड्स ऑफ हेटर्ड एंड एनिमिटी डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द कास्ट रिलीजन एथनीसिटी एससेट्रा तो यहां पर क्या होता है कि जब आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं किसी ग्रुप के बेसिस पे तो वहां पर जो है क्या है एक दूसरे से हेट की भावना आती है यानी कि घृणा की भावना आती है या फिर जो आप कहते हैं कॉम्पिटिशन की भावना आ जाती है जैसे कि आप देखते होंगे हिंदू मुस्लिम में अक्सर जो है यहाँ पे इशूज होते रहते हैं या फिर एस सी एस टी कैटेगरी का रास्टिज के बेसिस पे जो है हिंदू में ही जो है एस सी एस टी ओ बी सी और जनरल कैटेगरी में डिवाइड हो गए तो उनके बीच में जो है यहाँ पे हेट की भावना रहती है तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से ये भी हो सकता है ऐसा नहीं कहा जा रहा कि होता ही लेकिन ये भी हो सकता है और इसकी वजह से होते भी हैं केसेज आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाते हैं इतने सिटी यानी पहनावे की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग आ सकती है कि साउथ में चले जाएँ तो जो नॉर्थ वाले हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटेड फील लगते हैं साउथ वाले नॉर्थ में आ जाए तो उनको डिस्क्रिमिनेशन टाइप का फील होता है तो कहीं ना कहीं इथनीसिटी की वजह से लैंग्वेज की वजह से जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर हेट की भावना वो जग सकती है अगर आप जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं तो क्लियर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज रिस्पॉसिबल फॉर लिमिटेड और नैरो माइंडेड व्यूज ऑफ सिटीजन एंड पॉलिटिकल पार्टीज तो जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है ना तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका लिमिटेड या फिर नैरो माइंडेड व्यूज होता है क्यों क्योंकि आप जो है छोटे लेवल पर सोच रहे होते हैं आप जो है सिर्फ अपने अपने जो ग्रुप बनाया है जो अलायंस बनाया है उसके लेवल पर सोच रहे होते हैं तो आपकी जो सोच है वो उसी ग्रुप के तहत गिर्द घूमने लगती है है और आप जो है लार्ज स्केल पर नहीं सोच पाते हो Identity पॉलिटिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर divisive टेंडेंसीज एंड could लीड टू सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज जैसा कि आप खालिस्तान मूवमेंट आप देख रहे होंगे पंजाब और इस साइड में तो वहाँ पर क्या है वो सेपरेटिस्ट यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से एक अपनी खुद की अलग पहचान की वजह से क्या होता है कि वो सेपरेट होने लगते हैं डिवीजिव टेंडेंसीज जो है कि बन जाती है कि हमें अलग चाहिए अलग राष्ट्र चाहिए अलग स्टेट चाहिए तो ये भी जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से होता है ठीक है और ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है इसकी वजह से आपने देखा होगा वोट बैंक भी जो है पॉलिटिक्स होती है तो बहुत सारे आपने डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज आप न्यूज में देखते हैं तो वहां पर क्या आता है वोट बैंक की जो है राजनीति होने लगती है कि ये वाले रिलीजन हमारे साइड है ये वाले रिलीजन हमारे साइड है ये कास्ट हमारे साइड है तो उसकी पॉलिटिक्स होने लगती है कि हम इस कास्ट के लिए पार्टी बने हैं हम इस जो है रिलीजन की पार्टी हैं तो इसकी वजह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से वोट बैंक पॉलिटिक्स होने लगती है जिससे कि कही कहीं ना कहीं एज अ नेशन के रूप में जो है उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है क्यों बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्लियर तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में हमारा जो इंटरेस्ट होता है ना वो नेशन पॉलिटिकल पार्टी या फिर स्टेट के लिए नहीं होता बल्कि हमारा जो सोसाइटी है जो हमने सोशल ग्रुप बनाया जो हमने अलायंस बनाया है उसका इंटरेस्ट होता है उसकी इम्पावरमेंट उस सोसाइटी की यानी जो उस जो, जो हमने अलायंस बनाया है जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हुए हैं उस ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए एम्पावरमेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए रिकॉगनीशन के लिए हम जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं या फिर पॉलिटिक्स परफॉर्म करते हैं तो दैट इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अथॉरिटेरियन आपने ये वर्ड सुना होगा अथॉरिटी यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन जो ये एक्सपेक्ट करता है कि वो जो बोले सब लोग वही करें उस पर्सन को हम अथॉरिटेरियन पर्सन कहते हैं यानी डिक्टेटर जैसे कि आप हिटलर का नाम सुने होंगे तो इसी तरीके से एथॉरिटेरियनिज़्म भी एक जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर होता है और लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम होता है यानी कि वहाँ पर जो पब्लिक होती है जो सिटीजन होते हैं उस कंट्री के उनका जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता जो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं ना वो वहाँ पर नहीं होती है तो एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर होता है और लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम होता है जैसे कि आप चाइना का एक्जाम्पल लीजिए तो वहाँ पे क्या है जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही जो है पूरे रिपब्लिक चाइना को कंट्रोल करती है चाहे वो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल हो सभी को जो है वो कंट्रोल करती है सभी एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करती है तो वो क्या है अथॉरिटेरिज्म टाइप ऑफ कंट्री है तो यहाँ पे क्या होता है कि लीडरशिप जो है वो सेल्फ अपॉइंट होता है या फिर जो है इलेक्टेड भी अगर होता है तो वो उसको जो है सिटीजन वहां के डिस्प्लेस नहीं कर सकते जैसे कि आप डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री में देखिए जैसे इंडिया में यहां पे क्या है हर पांच साल बाद जो है पब्लिक चाहे तो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है डेस को चेंज कर सकती है लेकिन जो एथोरिटेज टाइप ऑफ कंट्रीज होती है वहां पर जो है आप गवर्नमेंट को चेंज जो सिटीजन होती है वो गवर्नमेंट वो के लीडर को चेंज नहीं कर सकती है और यहाँ पे जो इनडेफिनेट पॉलिटिकल टेनोर होता है रूरल का हो चाहे रूलिंग पार्टी का हो यहाँ पे टेनोर जो है फिक्स नहीं होता है लेकिन इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री में देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि वहाँ पर हर पाँच साल बाद जो है गवर्नमेंट चेंज हो जाती है अगर बीच में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो बीच में सरकार गिर भी जाती है तो ये डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरिज्म में डिफरेंस होता है तो अथॉरिटेरिज्म जो है ये धीरे धीरे राइज हो रहा है तो अभी क्या है आप कुछ ही कंट्रीज जैसे रसिया हो गया चाइना हो गए तो यहाँ पे जो है अथॉरिटेरिज्म टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी और अब जो है आप देखेंगे टर्की हंगरी पोलैंड ये भी जो है धीरे धीरे अथॉरिटेरिज्म की तरफ जो है मूव कर रहा है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से वो अथॉरिटेरिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम बात कर ले कुछ करेक्टरिस्टिक्स की तो आपने कुछ कैरेक्टरिस तो देख ही ली वहीं पर यहाँ पर क्या होता है कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड और सेंट्रलाइज पावर होता है अथॉरटेरिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट में

ियन है उनके जो है उसके लिए जो है जो अथॉरिटी होती है वो अकाउंटेबल नहीं होती है यहां पे आप जो है अपने देश के प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के जो है अकाउंटेबल बना सकते हैं उनको जो है दोषी ठहरा सकते हैं लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है कंट्रोल ओवर मीडिया जो अथॉरिटेरिज्म होता है वहां पर मीडिया पर जो है पूरा कंट्रोल किसका गवर्नमेंट का होता है एंड नो लीगल मैथड ऑफ रिमूवल ऑफ अथॉरिटी जो अथॉरिटी होता है उसको रिमूवल के लिए उसके हटाने के लिए कोई भी लीगल मेथड नहीं होता तो ये कुछ कैरेक्ट्रिस्टिक्स होती हैं अथॉरिटेरिज्म की तो ये क्या है धीरे धीरे राइज हो रहा है लोगों को पसंद आ रहा है कि वो उनके पास पूरा सेंट्रल पावर हो और पूरी कंट्री को जो है चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल सिचुएशन हो किसी भी कंट्री को वो उसको कंट्रोल करें क्लियर नेक्स्ट टर्म है जियो पॉलिटिक्स देखिए जियो का मतलब क्या होता है जियो में इज जियोग्राफिकल फैक्टर्स यानी लोकेशन किसी कंट्री का क्लाइमेट नेचुरल रिसोर्सेज उस कंट्री में या पॉपुलेशन कैसी है उस कंट्री की कम पॉपुलेशन ज्यादा पॉपुलेशन है एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है ये सारी चीजें जो है फैक्टर्स क्या कहलाती हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स कहलाती हैं तो जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या हो गया स्टडीज हाउ लोकेशन क्लाइमेट नेचुरल रिसोर्सेज पॉपुलेशन एटसेट्रा डिटरमाइन ए स्टेट फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन एंड इट्स पोजिशन इन दी हेरारकी ऑफ स्टेट यानी कि आ, किसी भी कंट्री का उसके जियोग्राफिकल फैक्टर की वजह से उसका क्या फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन होता है या फिर उसका हैरार्की क्या होता है स्टेट में वही उस वही जियो पॉलिटिक्स कहलाता है ये जो टर्म था रोडोल्फ जेलन ने जो है इसको क्वाइंट किया था एटीन में स्विडिस पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे इन्होंने और क्या कहा कि इट इज़ दिसिस ऑफ जियोग्राफिकल इंफ्लुएंस ऑन पावर रिलेशनशिफ इन इंटरनेशनल रिलेशन एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कैसा रिलेशन है क्या उनके बीच में ट्रेडिंग ऑप्शन हैं वो जियोग्राफिकल इंफ्लुएं कितना है इसी की को क्या कहा गया? जियो पॉलिटिक्स कहा गया जैसे कि आप रसिया चाइना को देख लीजिए रसिया क्या है रसिया जो है वर्ल्ड लीडिंग नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है तो उसका कहीं ना कहीं वहां पर जियोग्राफिकल एंड नेचुरल

पे जो नेचुरल रिसोर्सेज क्लाइमेट या लोकेशन होते हैं उसका फायदा उठाकर पॉलिटिक्स या फिर अपना फॉरेन पॉलिसी डेवलप करते हैं या फिर अपना जो है ऊपर लेके आते हैं स्टेट्स में क्लियर तो दैट इज इजोटिक्स तो आपने अथॉरिटेरिज्म टाइप की जो कंट्रीज होती हैं उनकी जो है characteristics आपने पढ़ी लिए तो अब ये जो एथोरिटेज की characteristics है कहीं ना कहीं जो पीपल्स होते हैं जो लोग होते हैं सिटीजन होते हैं उनकी फ्रीडम को जो है ये खत्म कर देता है उनकी फ्रीडम को क्या करता है खत्म कर देता है इसलिए यहां पे क्या आता है डेमोक्रेटिक आता है तो डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जो पीपल खुद चूज करता है और अपने लिए चूज करता है क्लियर तो डेमोक्रेसी क्या है डेमोक्रेसी से गवर्नमेंट इन विच एवरी वन हैज शेयर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि खाली जो पार्टी रूलिंग पार्टी या फिर जो लीडर है वही सब कुछ करेगा नहीं यहां पर जो लोग होते हैं उनका पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है पब्लिक डिस्कशंस होते हैं और पब्लिक जो है अपना खुद का गवर्नमेंट चूज करती है और अपने लिए और वो जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक के लिए ही काम करती है तो डेमोक्रेटिक आइडल क्या होता है देखिए डेमोक्रेटिक आइडल रिफर टू स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट बिहेवियर दैट आर फेल्ड टू बी इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक पॉलिसी यानी कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए चलाने के लिए क्या गवर्नमेंट बिहेवियर जो है ज़रूरी होता है उसी को डेमोक्रेटिक आइडियल कहा जाता है तो ये जो डेमोक्रेटिक आइडियल था ये ऑलरेडी कंसीव किया था एनसाइंट फिलासफर द्वारा एनसाइंट रोमन एम्पायर में क्या होता था कि वहाँ पर लोग कलेक्टिवली एग्री हुए कि वहाँ पर एनुअल इलेक्शन जो है कंडक्ट कराए जाएंगे रोमन्स मजिस्ट्रेट के लिए और उसके बाद जो है इंटरनली जो है दो या दो से अधिक कलीग्स जो होंगे वो उसको चेक भी करेंगे तो ये जो है वहाँ उस टाइम से डेमोक्रेटिक आइडियल जो है वहाँ पर चला तो इन ट्वेंटियथ सेंचुरी टी एच मार्शल उन्होंने बिलीव किया कि यहाँ पे सेंट्रल डेमोक्रेटिक इडल्स होने चाहिए और उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट राइट्स होने चाहिए क्या क्या सिविल राइट्स सिविल राइट्स दैट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम सिविल राइट्स यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड राइट्स पॉलिटिकल राइट्स यानी कि विच इंक्लूड द राइट ऑफ सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर यानी कि वो पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकें वो गवर्नमेंट को चूज सकें वो खुद भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें वो राइट right उनके पास होना चाहिए तीसरा सोशल राइट सोशल राइट मींस विच इंक्लूड द राइट टू बेसिक इकोनॉमिक वेलफेयर एंड सिक्योरिटी यानी कि उनको सिक्योरिटी मिले और इकोनॉमिक वेलफेयर भी मिले तो तीन टाइप के राइट right अगर हैं तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक आइडियल्स को गवर्नमेंट फॉलो कर रही है और वो, वो उस गवर्नमेंट में क्या है डेमोक्रेसी है तो कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स हैं फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक आइडल्स के जैसे इफेक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि वहाँ के जो पीपल्स हैं सिटीजन उनका इफेक्टिव पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में इक्वल वोटिंग राइट्स है सभी लोगों का फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर हैं जैसे राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लाटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चर एंड एजुकेशनल राइट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये राइट्स वहाँ पे अवेलेबल है फ्री फेयर एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो है वहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं जैसे कि इंडिया में हर पाँच साल पर जो है जो है इलेक्शन करवाए जाते हैं चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि आप अपना ग्रुप बना सकते हैं आप किसी से एसोसिएट हो सकते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि कि जैसे चाइना में है पे मीडिया कंट्रोल पे किसका है जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है फ्रीडम है जो इंफॉर्मेशन किसी भी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन का फ्री सोर्सेज से पा सकते हैं ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी वहां पर होता है तो ये डेमोक्रेटिक आइडल्स के कुछ फीचर्स हैं यानी कि अगर ये फीचर्स ये किसी भी गवर्नमेंट में अवेलेबल यानी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है वहां पे वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है और इस इसको जो है रिवाइव करने की जरूरत है जहाँ पे अथॉरिटेरिज्म है वहां पे आपको जो है इस चीज को रिवाइव करने की जरूरत है क्योंकि तभी जो है सिटीजन इक्वली पार्टिसिपेट कर पाएंगे गवर्नमेंट जो है वो सही से चल पाएगी और एक हारमोनी डेवलप होगी सभी कंट्रीज में नेक्स्ट टॉपिक इज द राइज ऑफ चाइना एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड जो चाइना है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानता है जो कि 1949 में फाउंड हुआ तो नाइनटीन में जो चाइना है उसने जो है रिफॉर्म करना स्टार्ट किया और अपनी इकोनॉमी को अपग्रेड करने के लिए वर्ल्ड में जो है ट्रेड करना स्टार्ट किया और उस वक्त जो इसका शेयर था ट्रेड में वो एक से लेस था यानी कि ग्लोबल ट्रेड में जो चाइना का जो ट्रेड शेयर था वो एक से भी लेस था लेकिन नाइनटीन में जो है धीरे धीरे उसने इन्हेंस किया अपने आप को और, और ज़्यादा फॉरन मार्केट में अपने आप ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए चाइना

अनडिस्प्यूटेड एक्सपोर्ट चैंपियन और दो हज़ार दस तक जो है वो वर्ल्ड का अनडिसप्यूटेड एक्सपोर्ट चैंपियन बन गया यानी कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला ग्लोबल ट्रेड करने वाला जो है वो कंट्री बन गई और इन द लास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर द कंट्रीज इकोनॉमी रैपिडली एक्सपेंडेड लिफ्टिंग मोर पीपल आउट ऑफ पुवर्टी देन एनीवर एल्स इन द वर्ल्ड और बटे जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो इकम ज्यादा होगी इनकम ज़्यादा होगी तो कंट्री की इकोनॉमी क्या होगी एक्सपेंड होगी और जिस कंट्री की इकोनॉमी एक्सपेंड होगी तो वहाँ की जो पीपल है वहाँ पर पुवर्टी क्या होगी कम होगी खत्म होगी तो ये जो है है एक तरीके का छोटा सा स्नैपशॉट था कि कैसे चाइना ने जो है एक्सपोर्ट करके अपने इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव किया तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा देखा जाए तो चाइना ग्रोथ हैज़ रिड्यूज पुअर्टी चाइना की ग्रोथ ने पुवर्टी को रिड्यूस किया चाइना को वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर बनाया चाइना टेक कंपनीज जो है आज जो है मार्केट लीडर हैं जैसे कि आप हुआई का नाम सुनते हैं लिनोवो का नाम सुनते हैं जियोमी का नाम सुनते हैं ये सब क्या है मार्केट लीडर हैं टेक कंपनीज में तो चाइना में जो लेबर है और जो टेक्नोलॉजी है उसके यूज से चाइना जो है आज एक चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है एक्सपोर्टर बन चुका है और वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर बन चुका है ट्रेड की बात कर लें टेक कंपनीज की बात कर लें दोनों में ही तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा दे रहा है इंप्रूव कर रहा है इंक्रीज कर रहा है विशो ऑल द बेस्ट के पॉचिंग